सब कहे थन। सर आज जो है आप कुर्सेला क्षेत्र में, कल जो है आप वहाँ भी मौजूद थे मोहना चांदपुर में, और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थे सर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्या बात है सर? गरीबों से मिल रहे हैं और किसान से मिल रहे हैं जिसका फसल नुकसान हुआ है और किसी गरीब के घर में भी पानी आया है, क्या है सर बताइए सर? देखिए अभी जो स्थिति कटिहार जिला की है, खासकर बरारी विधानसभा की बात करें तो बरारी विधानसभा में कुर्सेला से हमारा विधानसभा स्टार्ट होता है जी। और कुर्सेला का जो बॉर्डर है हमारा भागलपुर का, शेरमारी चाय टोला जी, उसके बाद पत्थर टोला खेड़िया, उसके बाद कमला कहानी मजदिया, ये सब जो हमारा रिवर साइड का एरिया है उसमें गंगा का पानी और कोसी का पानी से प्रभावित है, और प्रभावित होने के कारण लोग विस्थापित भी लोग ऊँचे जगह पर चले गए। तो आज हम लोग आज इस शेरमारी चाय टोला ये सब जगह हम लोगों ने भ्रमण किया है। कल हम लोग पूरा बरारी घूम रहे थे और कल बरारी घूमने के क्रम में हम लोग SDO CO BDO थाना प्रभारी सभी हमारे NDA के नेतागण, आज ही आप देख सकते हैं हमारे सभी भाई अब वीडियो बना के देख बता भी रहे हैं, सभी लोग के लेकर हम लोगों ने भ्रमण किया है। और राज्य सरकार का भी लक्ष्य है कि जो क्या स्थिति देखे सर आप वहाँ जो भ्रमण किए आप, स्थिति यह है कि बहुत जगह पानी आया हुआ है और राज्य सरकार का दायित्व होता है कि आपदा विपदा में राज्य सरकार काम करती है, और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब जब आपदा विपदा आई है बिहार में तो लोग भूखे न रहा है, लोग रोड पे भी रहा है, तो हम लोगों ने प्लास्टिक दिया है, कम्युनिटी किचन चलाया, सूखा राशन दिया है, प्लास्टिक दिया है, पानी की व्यवस्था कराया, दवाई की व्यवस्था कराया है। इस बार भी हम लोग सब जगह भ्रमण कर रहे हैं और CO को भी हम लोगों ने निर्देशित किया, DM से भी मिलकर मांग किया है कि जहाँ पे जो विस्थापित है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उसको तुरंत इमिडिएटली इसको प्लास्टिक दिया जाए, वहाँ पे शौचालय लगाया जाए, क्योंकि माँ बहनें अब बाहर आ घर से बाहर आ गई है, उस शौचालय के लिए कहाँ जाएगी, शौचालय की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, चाहे पशु चारा की व्यवस्था, ये सब के हम लोगों ने लिख के दिया है। हमको लगता है कि कल से कम्युनिटी किचन मोहना चांदपुर और दक्षिणी भंडारतल और गुरमे ये कांतनगर पंचायत में तीनों जगह जिला पदाधिकारी ने कहा है कम्युनिटी किचन स्टार्ट कर देंगे, और माननीय हमारे यहाँ के सभी नेतागण उपस्थित हैं, इनके नेतृत्व में जो भी निर्देश होगा, जो भी जहाँ से सूचना प्राप्त होगा हम लोग वहाँ जाएंगे और जो भी कमी बेसी होगा उसको पूरा करेंगे। सर काफ़ी लोग प्रभावित हैं क्या मोहना चांदपुर में भी, पूरे बरारी में आप सर एक्टिव हैं और देख रहे हैं कि आपको क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, काफ़ी जनता भी देख रही है सर आपको, क्षेत्र में ही बने रहते हैं जी, और अभी बाढ़ क्या इससे भी हम लोग घूमते ही रहते हैं और क्षेत्र घूमना भी चाहिए, तो क्षेत्र घूमने से ये होता है कि कमी क्या है, जनता की जरूरत के मंद क्या चीज़ है, उस पर काम करने की जरूरत है, तो हम लोग घूमते रहते हैं और घूमते हैं तो दूर तरह का बात भी सुनते हैं, क्योंकि पब्लिक ने हमको जिताया तो उसका अधिकार है दो बात हमको बोलने का, तो उसी प्यार लिहाजा से हमको बोलता भी है, लेकिन ये जान जाइए बाढ़ का समय है, सारा काम हम लोग कर रहे हैं और जो मांग होगा आपके चैनल के माध्यम से भी हम तमाम साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी कुछ लोगों को डिमांड हो तो अमित जी से मिलें, अमित जी के द्वारा भी जो चूँकि आपका भी देखते हैं पूरा जिला में भ्रमण करते हैं तो निश्चित आपका काम अच्छा हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से कई डिमांड होगा उस जगह के लोग। सर आपका भी फेसबुक हम लोग रिसर्च करते हैं, आप फेसबुक में डालते रहते हैं, समेली भी दौरा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं समेली में एक बच्चा डूब गया उसके परिवार से भी मिले हैं और काफ़ी मैंने देखा है मिलते हैं और सहयोग भी करते हैं सर, अच्छा लगता है, हम लोग चैनल के माध्यम से दिखाते हैं विधायक जी का जो काम है उस पर खड़े उतरते हैं सर, क्या बात है सर आपको दर्द जो है देखते हैं गरीबों का? हम लोग गरीब गुरबा परिवार से हैं, गरीब का कष्ट जानते हैं और आपदा विपदा में जैसे कोई डूबता अपने निजी को से सर आप मदद करते हैं तो आप लोग का आशीर्वाद है, ऊपर वाला का आशीर्वाद है, बरारी की जनता का आशीर्वाद है कि निजी को हमारे पास हो जाता उगलबद तो हम भी जाके गरीब गुरबा के भी जाके उगलबद करवाते हैं, समेली में भी हर जगह बरारी में देख रहे हैं सर, हम लोग यही काम करते हैं, सुबह से निकलते हैं, जो ऊपर वाले ने जो आशीर्वाद दिया है और नीचे वाले ने जो आशीर्वाद दिया वो अपने कर्म को करना चाहिए, हम लोग कर्म प्रधान कर्म को मानते हैं, कर्म प्रधान होना चाहिए। ठीक है धन्यवाद। बरारी विधायक जी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, ठीक है क्या कुछ कहिएगा आप, आज भी दौरा किए हैं तो क्या बताइए? देखिए बरारी विधायक एक्टिव हैं और अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारा बरारी विधानसभा, उसमें बरारी के विधायक अपना पूरे भ्रमण कर रहे हैं, जहां भी अवस्था पड़ता है गरीब गुरबा का भाई, यहाँ तो बाढ़ पीड़ित एरिया का लोग रहते हैं, यहाँ पर जो भी अवस्था पड़ता है उसका पूरा करते हैं, नाव कई जगह हर प्रखंड में नाव दिए हैं, अच्छा हर प्रखंड में नाव दिए हैं और प्रखंड का छोड़ के प्रखंड से आपको पंचायत में दिया गया, सभी मुखिया को CO के द्वारा दिया गया, इतना काम करने वाला विधायक तो अभी तक तो पहले नहीं देखा था, नहीं देखे थे जी, नहीं
काम अच्छा हो रहा है बराड़ी में, बहुत अच्छा एक्टिव है। बराड़ी का जनता भी उससे खुश है। क्या आप बताइए, आप युवा बराड़ी के विधायक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को क्या दिया बताइए अपने आप बताइए। आपके देखिए कुरसेला में आप भी एक युवा हैं और जाना पहचाना, तो आपके सुनना चाहेंगे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का तो विधायक आज दौरा किए हैं विजय सिंह निषाद जो हैं विधायक, स्थानीय विधायक। आज कुरसेला प्रखंड में 6 पंचायत पड़ता है। आज सबसे अंतिम छोर कटिहार का सापुर धर्मी पंचायत के चार टोला सरमाड़ी का विधायक जी ने दौरा किया है, जो कि वहाँ गंगा और कोसी का संगम है, बांध पर पानी टपने वाला था। जिन्होंने भी दौरा करके आया, निर्देश दिया पदाधिकारी को, उस पे बोरा में मिट्टी भराई का काम चालू हो गया। अभी काम चालू हो गया। हाँ अच्छा, इन 5 पंचायत और जो शेष है 4 पंचायत कल से परसों तक में दौरा करेंगे, और जहाँ जहाँ भी अगर सामुदायिक किचन की जरूरत पड़ेगा वहाँ की सामुदायिक किचन चलाया जाएगा, और पशु चारा के लिए, और ये जो प्लास्टिक सीट का हम लोग अभी मांग किए हैं विधायक जी से, प्लास्टिक और पशु चारा की व्यवस्था कुरसला प्रखंड में अवलंब हो, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है कुरसला क्षेत्र। नाव के बारे में क्या? नाव अभी हर पंचायत में चल रहा है। हाँ। जहाँ जहाँ नाव की जरूरी है, जिस गांव का किसने मतलब विधायक जी के सहयोग से? विधायक जी के सहयोग से। हाँ, क्या हो रहा है? हर पंचायत में नाव की व्यवस्था है, जहाँ मतलब विधायक विजय सिंह निषाद ने यहाँ के मतलब बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव दिलवाया। इनको चिंता है अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। हाँ। काफी सजग हैं, 24 घंटा अपडेट लेते रहते हैं सब सामाजिक कार्यकर्ता से, कहाँ क्या दिक्कत है, कोई भी समस्या होता है तो फोन करने के बाद समस्या को निदान करने प्रयास करते हैं। अपना परिचय बताइए। मिलन कुमार मंडल। हाँ बोलिए, आज जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विधायक विजय सिंह निषाद दौरा कर रहे थे, इस पे आप कुछ कहना चाहिएगा? जी, हम लोग जो है आज जो है कि माननीय बराड़ी के लोकप्रिय विधायक विजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में हम लोग कुरसेला प्रखंड के शाहपुर धर्मी पंचायत के शेरमारी चायटोला भागलपुर होते हुए हम लोग को 1 घंटा लगा जाने में, और सारे परिवार से मिले, जो भी सरकारी सुविधा है जो है पोलोथिन वगैरह विधायक जी का जो है सीओ साहब को कह के दिलाने का काम। नाव के बारे में भी कुछ किए हैं क्या? जितना हाँ। भी सुविधा है माननीय हाँ। मुख्यमंत्री जी का जो है कि पहला अधिकार जो है बिहार में बाढ़ पीड़ितों का, माननीय विधायक जी जो है सारे DM वगैरह को बात करके SBO से दिलाने का काम। ठीक।